नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में राहुल जी हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कर्नाटका के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति की 4 घंटे तक बैठक हुई, एक प्रस्ताव भी पारित हुआ सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव आपको अभी मिल जाएगा। अभी आपको इस कार्य समिति की बैठक में जो चर्चा हुई है, जो विचार विमर्श हुआ है, उसके बारे में राहुल जी आपको अवगत कराएंगे। राहुल जी, धन्यवाद, आप सबका यहाँ स्वागत। आ रही है बेटा, आप सबका यहाँ स्वागत। जैसे जयराम रमेश जी ने कहा, 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनैनिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया, तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूँ, इंग्लिश में? देयर इज अ वेरी बिग डिसीजन टेकन टुडे बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। Unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country, and I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also, our chief ministers are also also believe that it's an important step for them to take, so our states are also considering this and actioning this this step. If you have any questions, please feel free to ask. एक मिनट करके संजीव, एक मिनट प्लीज रुक जाइए। Support you in this, because the Congress is unanimous in this, whether all the other parties, because you are going to contest the elections together, you know, all 26 parties are contesting the elections together, so will they also support, you know, and will you seek their support? Well, the Congress president today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. Now, most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position, and that's fine. We are quite flexible. We are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to support and push the idea of the caste census. हाँ जी मैडम, हिंदी में बोल देता हूँ। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर यह भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे
और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाँ जी मैडम। राहुल जी मैं पूनम। एक मिनट मैडम बोलिए। अच्छा, अगर आपका सवाल सुनिए अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज। राहुल जी, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इधर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आज से 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बज गया है, तो क्या ये माना जाए कि ये 5 राज्य जो है वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं? देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील, एक मिनट सुनील। देखिए, नहीं मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन हैं, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कंसेंसस करना ही होगा। सर, यू हैव हर्ड द प्राइम मिनिस्टर इन हैदराबाद, यू नो, गिव हिज काउंटर टू द कास्ट सेंसस एंड अबाउट, यू नो, द राइट्स एंड व्हाट विल हैपन टू सदर्न स्टेट्स एंड द वेरियस थिंग। How do you view that? And also for the Karnataka Chief Minister, why doesn't he go ahead with the release of the caste census data? We are in discussions. We are very clear what our direction is. Those actions will be taken. I'll also let Siddaramaiah ji directly answer your question. So first let me ask him to. You haven't answered that. I'll come back to you. He's asking about caste census in Karnataka. Our previous government in Karnataka, that is the government, our Congress government was there between 2013 and 2018. Normally he doesn't need a mic. In 2014 and 2015, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities to permanent backward class commission, aided by one Kantaraj, then
chairman of the commission. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's chief minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is laying with the Permanent Backward Power Commission. I requested now the present chairman, Mr. Jayaprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely issue the report. Based on census, caste census and socio-economic survey of all communities, particularly other backward communities. एक मिनट प्लीज. अरे एक मिनट रुक जाइए ना, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं राहुल जी, जवाब दे रहे हैं. ऑन द सी द प्राइम मिनिस्टर्स, या द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स. व्हाट द कास्ट सेंसस हैज टू डू विद यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ, it's very difficult to understand. Now the problem is that the prime minister is incapable of doing the caste census. I'd like to point out something quite interesting. There are four, hamare char chief ministers hain, char mein se teen obc ward ke hain, bjp ke 10 chief minister hain, ek obc ward ke hain, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे. तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या. मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं. नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला. उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है. उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला. मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो. तो यह तो सच्चाई है, रियलिटी है. प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे. प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा. वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं. प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है. जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी. और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं. उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए. हाँ संजय. राहुल जी, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का एलिगेशन है कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, ला के वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है. और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए. किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है. हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है. सस्पिशन है. अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या यह सच्चाई है इसमें या नहीं. नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें
जो हक लोगों का है उनको देने का है, देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है, और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी एक दो सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी, तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सोच? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है, इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50-60-70-80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। जी राहुल जी, आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है, वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या, कांग्रेस रूल स्टेट में, एक चीज? और दूसरा, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो? नहीं, तो मैंने ये नहीं बोला। देखिए हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, तो ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है, हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे। हाँ रवि, सवाल आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं? देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी, रवि, राहुल जी इधर,
राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इससे क्या कहेंगे आप? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कनेक्शन क्या है? ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है यहां पे, यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, ये हिस्टोरिकल सवाल है। और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। भैया एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए फाइव जहां पे मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है, आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे, राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है, और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं, तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पॉन्स जो था, जमीनी रिस्पॉन्स, लोगों के बीच में जाकर रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं, मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में भी मैं अभी जा रहा हूं, काफी पॉजिटिव माहौल है, और जनरली लोगों में गुस्सा है। एक दो कारण है, बेरोजगारी, महंगाई, और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग
अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं, और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है, और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछ ही दिनों में उनको आस्ते आस्ते ये बात समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है। तो ये मुझे लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।